नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। राहुल गांधी आज पहली बार रायबरेली पहुंचेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने यहां राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार की कमान संभाल रखी है। अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे और चुनावी प्रचार को धार देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिर्जापुर आएंगे, जहां वे नगर के महोरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में एनडीए समर्थित अपना दल एस के उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और उन्हें जिताने की अपील करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा बरही में हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के समर्थन में करेंगे, जबकि दूसरी सभा चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी के पक्ष में करेंगे। लखनऊ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले किसानों की आय दुगुनी तो नहीं हुई बल्कि किसानों को बर्बाद जरूर कर दिया गया। पटना में कल पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ, जहां सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ी। वहीं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलने के बाद चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जहां चुनाव प्रचार के पहले दिन इन्होंने दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार सहीराम पहलवान और पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में रोड शो किया। वहीं दूसरे दिन नई दिल्ली लोकसभा सीट के मोती नगर इलाके में रोड आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना होंगे, जहां कल हुए वाराणसी में रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं 14 तारीख को सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लेंगे। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है, जिसे देखते हुए जिस क्षेत्र में ये मतदान होगा वहाँ सभी सरकारी कॉलेज, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदरगढ़ कस्बे के गर्मांचल महाविद्यालय के मैदान में भाजपा प्रत्याशी राज रानी रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। अमेठी और रायबरेली के रन को रोमांचक बनाने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 17 मई को रायबरेली में संयुक्त जनसभा कर इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों में एकजुटता दिखाने की अपील करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के ढालपुर के रथ मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में चुनावी हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश में आज चौथे और अंतिम चरण का मतदान होना है, जिसमें प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जहां आज पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव संपन्न हो जाएगा और रिजल्ट 1/7/4 जून को ही आएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम हुआ कूल, बारिश के साथ आसमान से बरसे ओले, तापमान में आई भारी गिरावट, पर्यटक के हुए चांदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी इंडिया ब्लॉग पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। राहुल बाबा, आपको परमाणु बम से डरना है तो डरिए, लेकिन यह देश किसी से डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, जहां 3 चरणों के चुनाव के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि भाजपा और एनडीए 400 सीट पार करके ही रहेगी। अब 400 पार का नारा ही नहीं, यह देश के लोगों का संकल्प बन गया है। महाराष्ट्र में नए कोविड-19 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 91 मामले सामने आए हैं। बता दें कि कई देशों में JN1 वेरिएंट के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब के मोगा में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां आपस में दो कार की जोरदार टक्कर में एक महिला की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग 15 मई को होने जा रही है, जहां 15 मई को हरियाणा की आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा एक्साइज पॉलिसी भी लाई जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी 31 मार्च के बाद आने की प्रथा डल चुकी है।
चार धाम यात्रियों से ग्रीन कार्ड के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 6 दलालों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि चार धाम यात्रियों से 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए की वसूली अवैध तरीके से की जा रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया गया है और उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। ऐसे में ईडी द्वारा समन जारी करने के बाद कांग्रेसी नेता आलमगीर आलम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ईडी के समन के मद्देनजर समय पर जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा और मवेशी तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया, जहां साइबर सेल हरी और चक्करभाटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 आरोपियों को पकड़ा गया। बता दें कि इनके तार उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।